Hello students, standard 10, unit 2, lecture number 4. Here in this lecture, we'll understand how to find a quadratic polynomial with the given numbers as a sum and product of its zeros respectively. So here, हमें अगर किसी भी quadratic polynomial के zeros का sum या उसका product का value दिया है, तो हम polynomial कैसे find करेंगे, वो हम यहाँ पर समझेंगे. तो exercise 2.2 के question 2 जो है, उसका फर्स्ट सम मैंने यहाँ पर लिखा है 1/4 n-1, जो कि क्या है 1/4 सम ऑफ द जीरोज है और -1 प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है. तो मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 लिखा है और अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू -1 लिखा है. अभी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे. तो पोलिनोमियल हैविंग जीरो अल्फा एंड बीटा, ओके. सो फॉर्मूला ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग अल्फा जीरोज अल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये पोलिनोमियल का फॉर्मूला है कि जिसके फॉर्मूला जिसका जीरोज अल्फा एंड बीटा होते हैं उनका पोलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बनता है. तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से पोलिनोमियल मिलेगा. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 जो कि मैंने रखा है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 मुझे मिलेगा. अभी जो नीचे 4 है उसका मैं एलसीएम लूँगा तो हमें सिंप्लीफिकेशन करने से ये वैल्यू मिलेगा 4x² - x - 4, ओके. जिसे मैं 1/4 इन ब्रैकेट 4x² - x - 4 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. तो यहाँ पर एक्चुअल पॉलिनोमियल कौन सा हुआ कि जिसके जीरोस का सम 1/4 होता है और जिसके जीरोस का प्रोडक्ट -1 होता है, वो एक्चुअल फॉर्मूला जो है, एक्चुअल पॉलिनोमियल जो है, तो वो पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल इज पी एक्स इक्वल्स टू 4x² - x - 4, जहाँ की हमारा जो ये क्वेश्चन था जहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन किया उसमें ये जो 1/4 था वो कहाँ गया, तो वो मल्टीप्लिकेशन में किसी भी पॉलिनोमियल में कॉमन निकलता हुआ फैक्टर है, ओके. किसी ज़्यादातर फैक्टर जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकला था, ओके. सब में कॉमन फैक्टर 1 था, लेकिन 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 1/4 है तो आप 1/4 लिख सकते हो कॉमन फैक्टर. इसी तरह से कुछ और नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये जो पॉलिनोमियल नया पॉलिनोमियल बनेगा उनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट तो 1/4 और -1 ही आएगा. तो इसलिए हम लिखेंगे कि सो फॉर एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू के, 1/4 था उसकी जगह पर कोई भी वैल्यू आप के लिख सकते हो, जिसके लिए आपको ये जो 4x² - x - 4 की जो पॉलिनोमियल है उसके आगे कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो नया जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका जीरोस का जो सम है वो माइनस जो 1/4 ही आएगा और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो -1 ही आएगा. तो फाइनल फॉर्मूला, फाइनल पॉलिनोमियल ऐसे ही आएगा, ओके. तो ये एक मेथड है, ये बुक में नहीं है मेथड. अब बुक में जो मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो सबसे पहले आपको लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि 1/4 है. अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a जिसका वैल्यू 1/4 है और दोनों साइड के न्यूमरेटर्स और डिन्यूमरेटर्स के वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करते हैं तो -b = 1 आता है, a = 4 आता है, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ द बी विल गेट -1 एंड वैल्यू ऑफ ए विल गेट 4. अभी जो प्रोडक्ट है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि -1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो ये जो वैल्यू -1 है वो c/a की वैल्यू हुई और a की वैल्यू जो कि हमने आगे फाइंड की है वो हम यहाँ पे रख देंगे. सो विल गेट c/4 = -1 एंड 4 विल बी मल्टीप्लाइड विथ -1 एंड विल गेट c = -4. तो हमें यहाँ पर a, b, c के वैल्यूज़ मिल गए. तो पोलोनोमियल हम लिखेंगे ax² + bx + c, जहाँ पर हम a, b, c की वैल्यू इनपुट कर देंगे और ए बी सी के वैल्यू इनपुट करते ही हमें पॉलिनोमियल मिलती है p(x) = 4x² - x - 4, जो कि हमको आगे भी यही पॉलिनोमियल मिली थी. अभी ये जो मेन पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके साथ में कुछ भी आप ये पूरी पॉलिनोमियल के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो और नई पॉलिनोमियल आप बनाओगे तो उनके भी जीरोस का सम 1/4 और प्रोडक्ट -1 ही मिलेगा. इसलिए हम लिखेंगे सो फॉर एनी कॉन्स्टेंट के p(x) = k(4x² - x - 4). तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ. इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. तो दूसरे क्वेश्चन में आपको सम ऑफ द जीरो इज गिवन √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज गिवन 1/3 और जिसका
ज़ीरोज अल्फ़ा बीटा होता है, और उसका सम, उसके ज़ीरोज़ का सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो वैसे ही जो पॉलीनोमियल होती है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू रूट टू, अल्फ़ा इंटू बीटा के वैल्यू 1/3 मैंने रख दिए। अभी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 3 का एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम लेने पर जिसके भी डिनोमिनेटर में 3 नहीं है उनके साथ में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो पॉलीनोमियल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से मिलेगा। तो पॉलीनोमियल हमें मिलेगा 1/3 इन ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, और यहाँ पर पॉलीनोमियल, एक्चुअल पॉलीनोमियल कौन सी है? तो एक्चुअल पॉलीनोमियल px इक्वल्स टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है, जबकि 1/3 जो कॉमन था वो कॉमन फैक्टर है, वो 1/3 की जगह कुछ और भी हो सकता है। इसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर एनी कॉन्स्टेंट k पॉलीनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, अब हम बुक की मेथड से लिखेंगे। तो बुक की मेथड से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू रूट टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू रूट टू, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू रूट टू अपॉन वन, रूट टू के नीचे 1 लिखना है। ओके, तो माइनस बी का वैल्यू डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को कंपेयर करते राइट और लेफ्ट में, तो माइनस बी इक्वल्स टू रूट टू होता है, ए इक्वल्स टू 1 होता है, माइनस सामने जाता है, बी का वैल्यू माइनस रूट टू आता है, ए का वैल्यू 1 आता है। अभी प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, तो सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3, इट मीन्स सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1/3, ए की वैल्यू 1 जो हमने आगे फाइंड की, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो सी का वैल्यू मिलता है 1/3, और ए बी सी की वैल्यूज़ को हम पॉलीनोमियल में ट्रांसप्लांट करते रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला है जिसमें ए बी सी के वैल्यूज़ हमने इनपुट कर दिए, तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3। 1/3 के डिनोमीटर 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन करने से इस तरह से हमें एक पॉलीनोमियल मिलेगा जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 इन ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यहाँ पर एक्चुअल पॉलीनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 मिलेगा, और जो 1/3 कॉमन फैक्टर था इसी तरह से कोई और कॉमन फैक्टर k होगा तो पॉलीनोमियल मिलता है k इन ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी के जो क्वेश्चंस है सम नंबर क्वेश्चन 2 के सम नंबर 3, 4, 5, 6 ये आपको सेल्फ वर्क में करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, हम पॉलीनोमियल्स का डिवाइडेशन समझने वाले हैं। ओके, सो अप टू देन, बाय बाय।